आप भी इस ऐसा जैसा मैंने आपको बोल करके दिखाया, अगर आप भी ऐसा अपना जंप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी बॉलों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्पीड को इनक्रीज करना चाहते हैं, तो आज की जो मेरी ड्रिल है ना वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना टाइम ज़ाया करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइज आपको पता है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ, सिर्फ क्रिकेट के हवाले से, बॉलिंग की आपकी स्पीड इंक्रीज, बॉलिंग की टिप्स लेकर आता हूँ। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये जो मैं आपके लिए आज जो ड्रिल लेकर आया हूँ, ये फास्ट बॉलिंग की ड्रिल है। जो फास्ट बॉलिंग अक्सर बच्चे भागकर आते हैं, बॉलिंग में जंप नहीं लेते, बस ऐसे बॉल कर दिए, उनकी पेस इसलिए इंक्रीज़ नहीं होती क्योंकि उनके पास एक अच्छा जंप नहीं है, अच्छी फोर्स नहीं लगती, बॉलिंग में जान नहीं लगती, और इसकी वजह से इनकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो सकती। फास्ट बॉलर के पास एक अच्छा जंप नहीं है तो अच्छी जान नहीं लगा सकता, अच्छी शॉर्ट पिच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एक अच्छा जंप लेते हैं तो उसमें आपका एक्शन हाईआर्म आ जाता है। आपको पता है हाईआर्म में जब आप बॉल स्किट करते हैं, जब आप बॉल को छोड़ते हैं या रिलीज़ करते हैं, तो जब आप बॉल आपका विकेट पर हिट करता है तो बॉल आपका ज़्यादा बाउंस होता है। अगर आपके पास एक जंप नहीं है तो बॉल आपका नीचे रह जाता है। तो आज आपके लिए बहुत अच्छी सी टिप्स लेकर आऊँ फास्ट बॉलिंग के, आप अपना जंप बॉलिंग में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी नए हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे चैनल की सब वीडियो देखें और अपनी बॉलों को इम्प्रूव करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। गाइस अगर आप छोटे हैं, अभी स्टार्ट किया, आपको एक साल दो साल हो गए हैं, आपने फिर बॉलिंग स्टार्ट किया, तो यार प्लीज़ अपने पूरे रनअप से नहीं करनी, पहले आपने वन स्टेप से करनी है। ये देखिए आप इजी खड़े ना, बस आपने इसे आके ये ऐसे इजी करनी है, इजी। ये ना आप पूरे रनअप से कर दें तो आपको इंजरी हो जाए, फिर आप मुझे बोलेंगे भाई आपने गलत बताया। यार मैं आपको गलत नहीं गाइड करता, प्लीज़ आपको मैंने सही बताया, ये आपकी बॉलिंग को इम्प्रूव करेगी, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो अगर ये आप करने लग गए, आपने वन दो वीक लाजमी आपने वन स्टेप से करनी है, पूरे रनअप से नहीं करनी, फिर ना मुझे कहना कि यार भाई मुझे इंजरी होगी या कोई ना कोई। अगर गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल पर। थैंक यू।